हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कारोबारी मुताला, इंग्लिश में सीखते हैं बिजनेस स्टडी, 4 डेज का 215, NIOS उर्दू मीडियम। सबक का नाम है सनत और कॉमर्स। अगर आपने इस सबक का नाम समझ लिया तो आपको ये सबक भी समझ में आ जाएगा। सनत, सनत का मतलब होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री में माल होता है तैयार, तो सनत वो जगह जहाँ पर माल तैयार किया जाता है, सामान तैयार किया जाता है। और कॉमर्स का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री का तैयार माल बाज़ार में बेचना, लोगों तक पहुंचाना, उसको कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सनत मतलब फैक्ट्री जहाँ पर माल तैयार होता है, और कॉमर्स मतलब उस तैयार माल को बाज़ार में बेचना, लोगों तक पहुंचाना, उसको कहा जाता है कॉमर्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे पढ़ते हैं सनतों की इकसाम। अभी मैंने आपको बता चुका हूँ सनत क्या होती है, जहाँ पर माल तैयार किया जाए। इब्तदाई सनत, इब्तदाई सनत मतलब जो कुदरती मदद के साथ अशिया को पैदावार करती है, मतलब खेती से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे हम खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, और मछली पालन, माही परवरी और बागवानी, जंगल लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, खेती करते हैं, मतलब वो जो कुदरत से रिलेटेड होती है, कुदरती चीज़ों पर डिपेंड करके हम करते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्रीज मतलब जेनियाती सनत, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा होगा, यहाँ पर इसका मकसद जेनियाती सनत में फ़रोग के मकसद से पौधों और जानवरों की मखसूस अनुवा की बाज तकली, पौधों को उगाया जाता है और जानवरों को उनको उनकी पैदाइश की जाती है। ठीक है, ताकि उनकी तकलीफ हो, जैसे आपने देखा होगा फार्म, मुर्गी पालन, पशु पालन, ये जेनियाती सनत है। ठीक है, उसके बाद है इस्तखराज सनत, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इस्तखराज का मतलब है ज़मीन से चीज़ों को निकालना, ज़मीन से चीज़ों को निकालना। जैसे आपको पता है ज़मीन से कोयला निकाला जाता है, ज़मीन से लोहा निकाला जाता है, जंगलों से इमारती लकड़ी निकाली जाती है, ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इस्तखराजी सनत, मतलब ज़मीन के नीचे से कुछ चीज़ों को निकालना। फिर है मैन्युफैक्चरिंग सनत, मैन्युफैक्चरिंग सनत मतलब जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग सनत जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है, मिसाल के तौर पर चीनी, ठीक है जी, कपड़ा, ये सब जो है यहाँ पर चीज़ें बनती हैं। फिर तामीराती सनत, जहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनाती है, पुल बनाती है, बड़े बड़े इमारतें बनाती है, उसे तामीराती सनत कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको कहा जाता है। उसके बाद खिदमाती सनत, मतलब वो सनत जो खिदमात देती है अलग अलग तरह की, जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत सी कंपनी, टूरिज़्म की कंपनी होती है वो आपको घुमाती है, एडवेंचर कंपनी, तफरी सनत जो आपको तफरी के मकसद से लेकर जाती है, होटल इंडस्ट्री जहाँ पर आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बहुत सी कंपनी जो वो आपको होटल की सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये भी एक तरह की जो है इंडस्ट्रीज़ है। आपने बहुत से होटल्स के मशहूर चैन के नाम सुने होंगे, जो होटल उस कंपनी के होटल होते हैं, टूरिस्ट कंपनी होती है जो आपको बड़े बड़े टूर कराती है इंटरनेशनल, जैसे दुबई की, दुबई लेके जाना, इंग्लैंड लेके जाना, तो वो सब एक इंडस्ट्री है जो तैयार करती है। उसके बाद कॉमर्स, मैंने अभी आपको बताया था, जो फैक्ट्री का तैयार माल लोगों तक पहुंचाती है उसको कॉमर्स कहा जाता है। अब वो फ्री में नहीं पहुंचाएगी, बल्कि वो उसके बल्टे में आपको पैसे लेगी और आपको वो चीज़ें देगी। ठीक है जी, अब तिजारत, कोई भी तिजारत क्या चीज़ है, कि भाई तिजारत का मतलब ये चीज़ों को देना लोगों तक, पैसे लेकर काम करना। ठीक है जी, तो इसको कहा जाता है तिजारत। अब जो आप तिजारत करते हैं, जो आप कारोबार करते हैं, उसकी मदद में कौन कौन सी चीज़ें, किन किन चीज़ों की मदद से वो कारोबार चलता है, तो मैं आपको वो बताता हूँ कारोबार किन किन चीज़ों की मदद से चलता है।
कारोबार जो चलता है सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन की मदद से चलता है। अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए तो अपना कारोबार नहीं कर सकते। तो कारोबार चलने के लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, तभी कारोबार चलेगा आपका। ठीक है जी। अब आप इंटरनेशनली कारोबार करते हैं तो हवाई जहाज़, मुल्क के अंदर कर रहे हैं तो बस, ट्रक, ट्रेन। ठीक है, कभी कभी आपको अपना माल जो है वो समुंदर के थ्रू भी भेजते हैं, तो वो अभी आपके ज़रिए, मतलब पानी के ज़रिए। इसी तरह गोदाम, आपको कारोबार करने के लिए गोदाम की भी ज़रूरत होती है। आप अपना माल कहाँ रखेंगे? अगर आपके पास गोदाम होगा तो आप माल रख सकते हैं, तो गोदाम भी आपकी मदद करता है कारोबार करने में। और उसके बाद है बीमा। कारोबार में आपको बीमा भी कराना पड़ता है अपने कारोबार का। अगर आग लग जाए, चोरी हो जाए तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी कर देती है, तो बीमा भी आपका कारोबार चलाने में एक मददगार है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट इश्तिहारकारी, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइज जो है वो आज के ज़माने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे तो आपको कारोबार चल ही नहीं पाएगा। तो कारोबार चलाने में एक मददगार चीज़ जो है वो एडवर्टाइजिंग है। आजकल आपने देखा कि हर कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है जिससे उसका कारोबार चलता है। फिर कारोबार का जो एक मददगार चीज़ है पैकिंग। आजकल पैकिंग की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी अच्छी पैकिंग होगी आपकी, उतना ही आपका कारोबार चलेगा। बिना पैक करे आप चीज़ों को बेच ही नहीं सकते। जैसे आपने प्रेस खरीदी, प्रेस बन गया, वो पैकिंग भी तो होती है ना, उसको पैक करना। आप टीवी लाते हैं, वो डब्बे में पैक होता है, उस पर लिखा हुआ होता है सब। तो कारोबार की एक मददगार चीज़ जो है वो पैकिंग भी है। सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, बैंकिंग। मैंने थोड़ा सा पैकिंग तो है ही, मददगार चीज़ बैंकिंग। बैंक के बिना आप कारोबार नहीं कर सकते। बैंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका पैसा बैंक में रहता है, आपकी जो पार्टीज हैं वो आपको पैसा आपके बैंक में देती हैं, चेक देती हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं पेमेंट देनी है तो आप चेक काट कर दे देते हैं। ठीक है, कहीं से पेमेंट आनी है तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो बैंकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में बैंक से आपको लोन लेकर आप अपने कारोबार को भी बढ़ा सकते हैं। कारोबार की मददगार चीज़ें मैंने बताई आपको। सबसे पहले मैंने बताया था आपको नकलो हमल, उसके बाद बताया था गोदाम, उसके बाद बताया था मैंने आपको बीमा, फिर इश्तिहार। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया बैंकिंग भी। कारोबार इन चीज़ों की मदद से चलता है। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ ई कॉमर्स। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब होता है कारोबार, मतलब वो कारोबार जो इंटरनेट के थ्रू चलता है उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। बस छोटी सी डेफिनेशन समझ लो आप। ऑनलाइन जो बिज़नेस आजकल लोग कर रहे हैं वो ई कॉमर्स ही होता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के ज़रिए से जो कारोबार हो रहा है उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। अब ई कॉमर्स की अकसाम के बारे में पढ़ेंगे। अकसाम मतलब टाइप्स। ई कॉमर्स कितनी तरह का होता है? B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जिसमें एक कारोबारी से बिजनेस करता है, मतलब मैन्युफैक्चर तो होलसेलर से बिजनेस करता है। जो बनाता है वो डायरेक्ट आपको तो देगा नहीं, वो होलसेलर को देगा, तो उसे कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। B2C मतलब जिसमें जो है बिजनेस वाला सीधा कंज्यूमर को देता है, बिजनेस करने वाला सीधा कंज्यूमर को, ख़रीदने वाले को देता है। जैसे मोबाइल कंपनी रिचार्ज देती है आजकल, आप सीधा कंपनी से और आप बुक करते हैं। जैसे आपको 599 वाला रिचार्ज करना है, आप सीधा पेटीएम पर जाते हैं, आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करते हैं और पे कर देते हैं। तो ये B2C, ठीक है, जिसमें बिजनेस वाले से आप सीधा कंज्यूमर को देता है। C2B जिसमें कंज्यूमर बिजनेस वाले से जो है बिजनेस करता है। ये कैसे होता है? जैसे आपको कोई चीज़ चाहिए और आपने उसकी वो चीज़ें, जो चीज़ चाहिए आपने वो चीज़ें, उसके फीचर्स आपने डाल दिए, और जिसके पास, जिस बिजनेसमैन के पास वो चीज़ें होंगी वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा, उसको C2B कहते हैं, जिसमें ख़रीदने वाला बिजनेसमैन से बिजनेस करता है, ताल्लुक, उससे इंट्रैक्शन करता है, उससे बातचीत करता है और अपनी पसंद बताता है। जैसे आपने फ्लिपकार्ट देखा, आपको उसमें जो चीज़ चाहिए होती है आप उसको सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये वाली चीज़ चाहिए मुझे, इतने रुपए की चाहिए,
और ये वाला मॉडल चाहिए, तो वो उनके पास होती है तो वो आ जाता है वहाँ पर, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, मिल जाते हैं। सी टू सी जिसमें कंज्यूमर कंज्यूमर से कॉन्टेक्ट करता है, जैसे आप ओएलएक्स देख लीजिए आप, इसमें एक कंज्यूमर कंज्यूमर से बिजनेस करता है, आपको कोई चीज़ बेचनी है आप उसे डाल देते हैं, जिसको ख़रीदनी होती है वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेता है, तो इसको सी टू सी कहा जाता है। अब ई कॉमर्स के फ़ायदे क्या हैं वो हम पढ़ेंगे, ई कॉमर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। भाई ई कॉमर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वसी तर इंतखाब, मतलब बहुत क्वालिटी होती है, और बहुत आप इंटरनेट पर बैठेंगे तो आपको एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी, ठीक है जी। बेहतर ग्राहक खिदमत, और इंटरनेट पर आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो बेहतर ग्राहक खिदमत आपको मिल जाती है, मतलब आपको वसी तर इंतखाब मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं, और जो भी आपको चाहिए होता है वो सब कंपनी ऑनलाइन होते हैं, कंपनी का डला वो आपको शो करता रहता है, और आप वैसे किसी दुकान पर जाएंगे तो आपको 10-20 प्रोडक्ट दिखाकर थक जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप सर्च करते रहिए, ढूंढते रहिए। ग्राहकों की ज़रूरत का फौरी जवाब, जैसी आपको चीज़ चाहिए उसका फ़ौरन जवाब मिलेगा आपको, लाइन ये नहीं कि आपको उनके पास 10 कस्टमर है, उनके पास वो चीज़ होगी तो फ़ौरन अवेलेबल होकर आ जाएगी। लागत की बचत और कीमत में कमी, आपको लाइव जो चीज़ मिलेगी वो थोड़ी सी सस्ती मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उनकी लागत में कमी है, उनको कोई शोरूम खोल के नहीं बैठना, कोई लेबर की ज़रूरत नहीं है, तो उनको थोड़ी सी चीज़ सस्ती पड़ती है, तो आपको इसलिए थोड़ा सस्ती मिल जाती है, ठीक है जी। ये ई कॉमर्स के फ़ायदे हैं। ई कॉमर्स का फ़ायदा ये भी है कि आपको कोई 40-50 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये की दुकान शोरूम लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको सजाने की ज़रूरत नहीं है, तो ई कॉमर्स का फ़ायदा ये भी है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, तो इससे आपको और इससे ज़्यादा ग्राहक भी मिल जाते हैं, ठीक है जी, तो इसका ये फ़ायदा है। तो अब इस सबक के इम्पोर्टेंट सवाल क्या बनेंगे, पहला इम्पोर्टेंट सवाल है सनत की तारीफ, छोटा सवाल है, सनत की तारीफ मैंने आपको बता दी थी जहाँ पर माल तैयार होता है, कॉमर्स की तारीफ मतलब तैयार माल को लोगों तक पहुँचाना, सनत की अकसाम बताई थी मैंने 5-6 तरह की, वो भी आप समझ लीजिएगा, तिजारत की तारीफ, तिजारत में की मामूल चीज़ें मतलब कारोबार करने में आपको कौन कौन सी चीज़ें आपकी मदद करती हैं, ठीक है। फिर ई कॉमर्स की तारीफ मैंने आपको बताई थी, ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंटरनेट के थ्रू जो कारोबार करते हैं, ई कॉमर्स की इकसाम मतलब किस किस तरह का ई कॉमर्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो सारे बता रहा हूँ आपको, इनमें से ज़रूर आएंगे। फिर ई कॉमर्स से क्या क्या फ़ायदे होंगे आपको, अगर आप इंटरनेट के थ्रू कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये मैंने सब आपको बताए हैं, तो ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप तैयारी करें, जो मैंने पढ़ाया आपको उसी तरह से समझकर इन सवालों को आपको करना है। अगर आपको हमारा ये सबक अच्छा लगा हो उर्दू मीडियम में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि उनको भी उर्दू में जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ लें, ठीक है। और जो है हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, और ऑफलाइन भी हमारे कोचिंग सेंटर में आ सकते हैं, IMC कोचिंग सेंटर में, और जो है आपको अगर प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए हो तो आप उसके लिए भी हमसे रابطہ करें, बहुत मुनासिब कीमत पर आपको अच्छे प्रैक्टिकल और अच्छे असाइनमेंट मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।